नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, तो तैयार हैं आप एक स्वादिष्ट और मज़ेदार खाने के सफ़र के लिए? तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं नवी मुंबई, और नवी मुंबई में पहुंचा हूं एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट मालवन तड़का में। अब नाम से ही जाहिर है, जिस रेस्टोरेंट का नाम ही मालवन तड़का है, वहाँ का मालवानी खाना बहुत फेमस है। लेकिन आप सोच रहे होंगे मुंबई के इतने सारे रेस्टोरेंट छोड़ के मैं आज नवी मुंबई में क्या कर रहा हूँ? इसलिए आया हूँ क्योंकि आज मुझे किसी खास जने ने किसी खास मकसद के लिए यहाँ पर बुलाया है, और वो कौन है मिलवा दूँ? चलिए मिलते हैं नीलिमा ताड़ीपल्ली से। आइए नीलिमा जी। तो ये है नीलिमा जी, आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है शो तो देखा होगा, उनमें हमारी प्यारी सी चुलबुली सी सुनैना। तो सुनैना सॉरी नीलिमा, क्या कहेंगी अपने खाऊ दोस्तों को? मैं तो यही कहूंगी कि इनके व्लॉग देख के मुझे इनको बुलाना ही पड़ा नवी मुंबई, क्योंकि मुझे पता है इनको तो खाना बहुत पसंद है। मैंने सोचा आज क्यों ना इनके पसंदीदा खाना खिलाएं मालवन तड़का में। क्या बात है, आंध्रा की हैं, तेलुगु बोलती है, लेकिन हिंदी कितनी अच्छी बोल रही है आज। वेरी गुड। तो चलिए नीलिमा जी अंदर चलिए और खिलाइए हमें कुछ। आप भी चलिए, आइए 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 संजीव जी, हमारे नवी मुंबई में आइए। क्या बात है, व्हाट अ प्लेस यू हैव गॉट मी। जल्द फटाफट बैठते हैं और फटाफट खाना ऑर्डर करते हैं। हाँ, आपके लिए बहुत कुछ मंगवाया है हमने ऑलरेडी। आज आप वाशी आए ना, वाशी का मजा छक लीजिए। वाह, वाशी की मेहमान नवाजी होने वाली है आज। आई एम एक्साइटेड। नीलिमा डोंट टेल मी, मतलब 1, 2, 3, 4, 10 ब्रांचेस ऑफ मालवन तड़का, उसमें से हमारे मुंबई में तो एक ही है चेंबूर, और बाकी 8 ब्रांचेस इन नवी मुंबई। यस, हाउ कम? क्योंकि मालवन खाना बहुत पॉपुलर है। अच्छा, स्पेशली इन दिस एरिया? यस, यहाँ बहुत सारे लोगों को ये पसंद है, हालांकि वो मालवानी नहीं है। हाँ। पर ये कॉस्मोपॉलिटन खाना जैसा हो गया ना अभी। करेक्ट, तो बट बहुत सारे ब्रांचेस है इसलिए। बट मालवानी फूड इज मेनली सी फूड। यस, और नॉन वेजिटेरियन फूड। यस, एंड आप हैं वेजिटेरियन, तो आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में इतना कैसे मालूम? देखिए, हम आप जैसे लोगों के लिए जानकारी रखते हैं। क्या बात? मैं वेजिटेरियन हूँ तो क्या हुआ। हाँ। आपको बुलाया है हमारा घर वाशी में, तो आपको खिलाएंगे ना, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। मैं तो अब बार बार आने वाला हूँ, बोलेगी गलती कर दी इनको बुला के एक बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जितने बार भी आएंगे उतने बार हम खिलाएंगे। वेरी गुड, 8 तो ब्रांचेस हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेरी पॉपुलर रेस्टोरेंट मालवन तड़का, एज आई सेड। So let's see how the food is now. Yes. और जितनी आप तारीफ कर रही है ना, उस तारीफ पर ये खाना उतरता है कि नहीं? उतरेगा। चलो, चैलेंज? चैलेंज। तो खाओ दोस्तों, नीलिमा ने तो मेरे सामने स्टार्टर्स की लाइन लगा दी है ऐसे। और ये है, अभी हमने इनसे पूछा, इन्होंने बताया ये है बोम्बिल रानी बहार, यानी कि बॉम्बे डक प्रेपरेशन है ये। रानी बहार नाम क्यों है तो रानी को चक्के ही पता चलेगा। और ये है मालवानी चिकन तवा फ्राई, ये यहाँ का स्पेशलिटी है, USP आइटम है और बहुत डिमांड में रहता है। एंड मैडम जी, आपके लिए पनीर टिक्का है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, तो यू कैन हेल्प योरसेल्फ विद योर पनीर टिक्का। और मैं शुरू करता हूँ बोम्बिल रानी बहार से। बोम्बिल होती बहुत सॉफ्ट है, तो ज़रा प्यार से इसे लेते हैं यहाँ। ओके, सो साथ में चटनियाँ भी दी हुई हैं, एक ग्रीन मिंट चटनी दे गिवन, एंड चटनी लोगी? हाँ, थोड़ा सा। ओके, थैंक यू, बस दैट्स इट। तो जरा खाइए अपना पनीर और बताइए कैसा है। मैं अपनी बोम्बिल खाता हूँ। मैं आपको चीयर्स भी नहीं बोल सकती। क्यों? मैं तो फिश खाती नहीं हूँ। अरे हाँ, सही है, लेकिन खाती नहीं हूँ, लेकिन खाने की नॉलेज बहुत है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। लेकिन नॉलेज कैसी है तुमको इतने नॉनवेज खाने के बारे में, मतलब यू नो द सिलेक्शन ऑफ डिशेस? आप जैसे फ्रेंड्स जो है उनके लिए हम ऑर्डर करते हैं ना, इसलिए मुझे पता है। इसलिए पता है, वेरी गुड। एंड मैंने ये भी, मुझे ये भी पता है कि आपके हस्बैंड है वो नॉनवेज के बहुत शौकीन है। शर्मा कैसे रही है? अरे नहीं, उनके लिए भी ऑर्डर करते हैं, इसलिए पता है। चलिए, अ वेरी डिफरेंट बोम्बिल प्रिपरेशन। मैंने यूजुअली ये मालवनी जो बोम्बिल फ्राई होती है वो रवा कोटेड डीप फ्राइड होती है, वो बहुत खाई है। बट ये स्पेशली दिस ग्रीन थिंग, आई थिंक ये पूरा ग्रीन चिली पेस्ट या कुछ इसके ऊपर लगाया हुआ है, तो इट्स टेस्टिंग वेरी गुड एंड इट्स नाइस एंड क्रिस्प फ्रॉम द आउटसाइड। और अच्छी खुशबू आ रही है इससे, एज बोम्बिल शुड बी फ्रेश, यू नो, सॉफ्ट एंड जबरदस्त है। ओह वेरी नाइस, ओह जबरदस्त, क्या बात है। पनीर? पनीर अमृतसरी भी लाजवाब, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली बहुत फ्रेश है, नॉर्मली पनीर इतना फ्रेश, मतलब मुझे नहीं लगता कि इजी है बनाना। वेरी नाइस,
पनीर टिक्का तभी अच्छा बनता है अगर पनीर की क्वालिटी अच्छी है. इफ द पनीर इज नॉट गुड, कितने भी मसाले लगा लो मजा नहीं आएगा. करेक्ट, सही है कि नहीं? बहुत अच्छी. तो दोस्तों मम्मी तो मजा आ गया नीलिमा, और अब मैं ट्राई कर रहा हूँ ये यहाँ का USP आइटम, मालवणी चिकन तवा फ्राई. मुझे कहा गया है नीलिमा ने कि ये यहाँ पर बहुत चलता है, और जब भी ये यहाँ पर आते हैं इनके दोस्तों के साथ, उनके दोस्त से जरूर ऑर्डर करते हैं. बिल्कुल, आपको भी मजा आएगा, खाइए. चलो खा के देखें. और आपके लिए क्या आया है वो? वेज कुरकुरे. वेज कुरकुरे, वाह, दैट लुक्स नाइस. हां या इट लुक्स नाइस एंड क्रिस्प, तो मैं ये लेती हूं. नाम ही कुरकुरा है तो क्रिस्प होना ही चाहिए ना. आ जा भाई. आपको भी खाना चाहिए. खाऊं? खाता हूं इसके बाद. मालवणी जो है तवा फ्राई, बहुत अच्छे से मालवणी मसाले पड़े हैं इसके अंदर, पूरा कोस्ट का जो फ्लेवर आता है वो मिल रहा है, और डेफिनेटली ये स्टार्टर के तौर पर बहुत ही अच्छी चीज़ है. अगर बियर बियर हो तो मज़ा आया. तो बियर क्यों नहीं मंगाई? चलो इतनी गर्मी पड़ रही है बात. अरे यार एक ग्लास बियर दे दो. अरे आया तो यार. चलो तब तक मैं तुम्हारा ट्राई करता हूँ ये वेज कुरकुरा. इसका डिप बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. यू ट्राई कर सकते हैं. नो आई हैवंट ट्राइड इट. वी कैन ट्राई. कैन यूज दैट स्पून मेबी. दिस आ वेज स्पून फॉर द वेज थिंग. ये कुछ मीठा मीठा सा लग रहा है. लग रहा है मुझे ऐसा. मस्ट बी मीठा. हां लेट्स ट्राई. या आई विल पुट सम फॉर यू. या थैंक यू. दैट्स इट. चलिए वेज कुरकुरे. हां हां उठाने में कुरकुरा आया तो वेरी नाइस. उसमें मीठा मीठा है. वेरी नाइस. सो लिटिल स्वीट एंड सार. आई लाइक द स्टफिंग इनसाइड ना. कैरट्स बीन्स सबकी स्टफिंग है. एंड quite nice and warm and crisp. Yeah. And this dip amazing hai. Khatta meetha. Hmm. Huh? Chili flakes dikh rahe hain. Garlic hi hai. A dash of honey based hai shayad. Honey based hai. Yeah. Badhiya. To dosto Nilima aur maine isne bhi kai TV serials kiye hain. To lekin hum log ne ye rishta kya kehlata hai, kam se kam 9 saal saath pe kaam kiya. है ना? और वो 9 साल क्या गुजरे खाते पीते हुए. आहा मजा आ गया था. और आपको पता है खिलाने वाले कौन है? कोई भी इनके यहाँ जाता है वो खाली पेट वापस नहीं आता है. और खासकर जब वो समोसे वाले आते थे सेट पे, 10 रुपए के 5 और ये हमें शाम को समोसे खिलाते थे, और मैं बोलती थी नहीं मैं डाइट पे हूँ मैं नहीं खाऊंगी. अरे खा ले, कुछ नहीं होता है. एंड ही वुड मेक मी ईट 5-5 समोसे. और ऐसे हम खाते पीते नहीं लगते इनके वजह से. बहुत खिलाया. साथ में टिफिन जो खाते थे बैठ के रूम में शेयर करते थे. 5 डब्बे खुलते थे साथ में. सब एक्टर्स मिलके साथ में खाना खाया करते थे. बहुत मजा आता. वो भी क्या दिन थे यार. आज हम लोग साथ में हैं इस वजह से क्योंकि हम साथ में खाते थे. द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर. ये सही बात है एकदम. हाँ बियर क्या है भाई? बियर अरे ले आओ. वाह जी वाह. अब आ गई. अब आएगा मालवणी स्टार्टर्स का मजा. ठंडी ठंडी बियर के साथ. इतनी गर्मी पड़ रही है मुंबई में आज, क्या बताऊं. है कि नहीं? हाँ, गर्म तो बहुत. तुम भी कुछ मंगा लो ठंडा ठंडा. यू लाइक सोलकड़ी ना? हाँ सोलकड़ी. हाँ वो सही रहेगा. ठंड पे गई. ट्रू ब्लू पंजाबी. हाँ एब्सोल्युटली. मेरा मुंह देखती जा रही हो. सोलकड़ी आ गई. अरे वाह थैंक यू. बियर को नजर लगा रही. कैसी है? दिस इज नाइस. और ठंडा ठंडा जैसे आपने कहा बाहर ना मौसम बहुत गर्म है. अरे भाई बाय गॉड मैं कह रहा हूँ, जब यहाँ पर गाड़ी में आ रहे थे दोस्तों, मतलब एसी चल रहा था फिर भी लाइक गर्मी इतनी. एसी यहाँ का इतना अच्छा है थैंकफुली कि बस गर्मी का कुछ एहसास हो ही नहीं रहा. बिल्कुल. एक बात पूछनी थी. इस रेस्टोरेंट में ये सिर्फ मालवणी खाना मिलता है कि कुछ और भी मिलता है यहाँ पर? नहीं 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 तंदूरी खाना मिलता है, चाइनीज मिलता है, पर यहाँ का स्पेशलिटी जो है ना वो मालवणी खाना. वो दिख रहा है क्यों है? कमाल का है. लेकिन हमने तो मालवणी भी खा लिया और हमने तंदूरी पनीर टिक्का भी खाया. अरे आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट. मुझे अच्छा लगा. यस कल से टेंशन में थी ना, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा. तो हमारे खाओ दोस्त के लिए हमने बहुत सारा खाना मंगाया है. दिख रहा है. ये देखिए ये कोमड़ी वड़े यहाँ की स्पेशलिटी है. मेरे जब फ्रेंड्स आते हैं ना वो यही मंगाते हैं. सरप्राइजिंग. तेलुगु आंध्रा नीलिमा ताड़पल्ली को कोमड़ी वड़े के बारे में मालूम है, जो कि सबसे पॉपुलर मालवानी कॉम्बिनेशन है. मतलब कहीं पे भी जाइए भाकरी वगैरह तो देते ही है, बड़ी कोमड़ी और बड़ी कोमड़ी यानी कि चिकन
और ये वड़े जो इनकी स्पेशल प्रेपरेशन होती है, दिस इज मेड ऑफ यू नो चार पांच टाइप के अलग अलग आटे होते हैं, उसको मिक्स करके बनाया जाता है, उसके अंदर मसाले डाले जाते हैं, फिर उसको डीप फ्राई किया जाता है। अब बोल सकते हैं मालवानी पूरी है ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये, मेरे फ्रेंड्स ने भी खा के बताया कि बहुत ही अच्छा है। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही घुमा करो ताकि मुझे ऐसी ऐसी जगह ले आया करो। और यहाँ पर इन्होंने दिया है दोस्तों, ये तो मैं पहचानता हूँ, दिस इज घावने, ये राइस का डोसा होता है। और वो जैसे तुम्हारे साउथ इंडियंस में नीर डोसा नहीं होता, हाँ करेक्ट, नीर डोसा, बट ये महाराष्ट्रियन स्टाइल में थोड़ा थिक होता है नीर डोसा से। एंड दिस इज यू नो भाकरी, तुमने अपने लिए मंगाई है, पता ही होगा। हाँ। और ये मैंने ना मालवानी पनीर मंगाई है, मिक्स्ड वेज पनीर। वाओ, मालवानी स्टाइल। हाँ, मालवानी स्टाइल। आई टेस्ट दैट, हाँ, पक्का। ये तो मैं पहचानता हूँ, ये मेरी बहुत फेवरेट फ्रेंड है, इसलिए मैं इसे पहचानता हूँ। सुरमई तवा फ्राई, बिल्कुल, वो तो आने ये यहाँ की स्पेशलिटी, क्या महाराष्ट्र में ही स्पेशल है, क्या बात है। और ये चावल को देख के पता चल रहा है कि ये सबके फेवरेट इंद्रायणी राइस है। अरे ये अंबोली भी है। दिस इज अंबोली अगेन, ये राइस की बनती है प्रेपरेशन, बिल्कुल। और ये डोसा, यार तुमने चार टाइप की ब्रेड्स मंगा ली मेरे लिए, क्या बात है, वेरी नाइस। आप खाएंगे, एंजॉय करेंगे तो तभी मुझे भी मजा आएगा ना। मैं शुरू करूंगा सुरमई तवा फ्राई से, ओके, और मैं शुरू करूंगी भाकरी से। भाकरी खाली खाओगी? नहीं, पनीर के साथ। वाह, शुरू, क्या बात है, ये पनीर बड़ा जबरदस्त लग रहा है, लाल लाल खुशबू आ रही है, एकदम मालवानी मसालों के इसके अंदर, ग्रेवी ऑल्सो नाइस है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, एक चम्मच डाल दे यार, डाल दे, मत कर, अकेले के लिए मत कर, नजर लग जाएगी। आप भी खाएंगे? बस 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 बस, बस थोड़े थोड़े मैं टेस्ट करूंगा ना यार, करना पड़ता है, सब कुछ खा के देखना चाहिए। और मैं लेता हूं अब ये फिश सुरमई तवा फ्राई, नाइस स्लाइस का मसाला देख के ना तुम जैसे वेजिटेरियंस के मुंह में भी पानी आएगा। कितने अच्छे डिश में उन्होंने प्रेजेंट किए, यस, बनाना लीफ के साथ, ये बिल्कुल फिश के शेप में है, देखिए। रेडी एंड वैसे भाकरी, ये आपकी मैं मच्छी वाले हाथ, दूसरे हाथ से देता हूं, वेजिटेरियन हाथ, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम, यहां लेफ्ट हैंड से दिया चलेगा ना। थैंक यू, चलो शुरू करो, आरंभ हो। मुझे मालूम है, वेट नहीं होता तुमसे खाने को देखकर। लोग खुश टॉकिंग, आप देखें कौन खा रहा है। अरे क्या बात है, क्या बना है, मुझे पता है, जितनी भी मैंने अभी चीजें टेस्ट किया ना यहाँ पर, मुझे अपने कोस्टल ट्रिप की याद आ रही है। तुमने देखा है वो ट्रिप जो मैंने और मेरी बेटी ऋषिका ने किया था? हर ब्लॉग देखती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल नेचुरल और अच्छे रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मसाले लगे हैं ना, ऐसे फिश और ऐसे मसाले मैंने उस कोस्टल ट्रिप पे खाए थे, यहाँ पर मतलब एक्चुअली हम मालवन गए थे, ये तो मालवन तड़का है, तो हम एक्चुअल मालवन टाउन गए थे, वहाँ पे खाना खाया था, तो वहाँ के मसाले और वहाँ का टेस्ट बहुत ही सिमिलर था इस खाने के साथ। तो आई कैन वाउच फॉर इट कि ये ऑथेंटिक मालवानी खाना है यहाँ पर। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखे ना फ्रेंड्स, तो मैं उसका लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज सी दोस ब्लॉग्स, बहुत मजा आएगा। और ना सिर्फ उसमें खाना है, बीचेस देखे ना तुमने, फोर्ट्स देखे मैंने, बहुत कुछ, मतलब पूरे महाराष्ट्र का कोस्ट एक्सप्लोर किया हमने, प्लीज वॉच दैट। नाउ लेट मी टेस्ट योर पनीर, ओके, यू टेस्टेड इट, हाउ इज इट, यू टेल, बहुत बहुत अच्छी है, इज इट मालवानी और इज इट पंजाबी? नो, इट्स नॉट पंजाबी, ओके, इसमें मालवानी मसाले लगे हैं, अच्छा, और ग्रेवी बहुत अच्छा है, आप खा के देखें। You can say it's a mixture. It's not exactly Malwani, I'm telling you. But masale hain. Masale hain. And ye kafi garam masala dalne ke badle inhone Malwani masala dala hai iske andar. That's the reason. But mixed vegetables hain. So you can call it a Malwani style kadai vegetable. Hai ki nahi? Shayad. Shayad na? Kuch alag hai, matlab aapko aisa laga? Kuch alag hai. Aur tasty hai. Aur kya chahiye the? Aur kuch nahi. Kuch bhi hone to Punjab ka ho ya Malwani ka ho, tasty hona chahiye. Bilkul. Hai na? Ab aate hain मेन अट्रैक्शन, कोमड़ी आनी वड़े, ये खा के जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। बताऊंगा, क्योंकि ये मालवानी होटल की पहचान है, सिग्नेचर डिश है, मतलब अगर ये अच्छा हो गया तो मतलब यहाँ का खाना अच्छा है ना। तो ये लेता हूँ वड़े, बड़े इंटरेस्टिंग है ना, देखना पूरी के जैसे होते हैं और मैंने जैसे कहा ना, और बीच में होल भी है। हाँ, वो मेदू वड़े में कैसे होता है, तुम लोग क्यों बनाते हो होल मेदू वड़े में, बताओ मेरे को उसका रीजन क्या है, बताएगी नहीं, अच्छे से ऑयल ये हो, एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब करे, अंदर तक पक जाए, बिल्कुल, उसकी वजह से बनाते हैं, हमें ऐसे बोल रहे थे। ये वाह, चिकन इज वेरी टेंडर, आपको देख के ऐसा मन करे मुझे भी खाना। ही रियली टेम्प्ट, तो पर इट बहुत ही मजेदार, बड़े बहुत ही अच्छे हैं, और ग्रेवी टिपिकल, टिपिकल कोस्टल फ्लेवर्स,
मालवण का स्वाद क्योंकि आप वहाँ गए भी है ना, आपको पता है अच्छे से. वेरी नाइस, डेफिनेटली सम्प्टुअस, अच्छा लग रहा है पेट. इले मैं और ऐसे होटल ढूंढना यार अलग अलग वाशी में. आप तो रोज वाशी आएंगे, खाना अच्छा मिलेगा तो खाओ तो उसके घर भी पहुंच जाएगा. हम ढूंढेंगे ढूंढेंगे. वाह वाह वाह, तुम किसके साथ खा रही हो? भाकरी के साथ खा रही हो? भाकरी इज वेरी लाइट, वेरी नाइस. ये मेरे ख्याल से राइस भाकरी है, चावल की है, और ये महाराष्ट्र में बहुत मतलब फेमस popular, है, बहुत पॉपुलर है. और ये लोग जब बनाते हैं ना भाकरी, हाथ से बनाते हैं, ऐसे बेलन से नहीं बनाते हैं, हाथ से आपको ऐसे ऐसे करके टैप करके ना. पहली बार जब वो बना रहे थे तो आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है किचन से. मैंने देखा तो मतलब हाथ से वो लोग एक्चुअली उसको. ओह, बिकॉज़ जब महाराष्ट्र कुक ना अभी ये घर पे तभी. यस, दिख जाओगी महाराष्ट्रियन खाना घर पे, बुलाना खिलाना है. घर पे वेज मिलता है कि वेज नॉन वेज दोनों? मेरे हस्बैंड तो नॉन वेज खाते हैं, बाहर से ज़्यादा मंगाते हैं, घर पे कम बनता है. मैं वेज बनाती हूँ. ओके, और साउथ इंडियन भी बनाती हूँ. हमें तुम्हारे हाथ का वो बहुत याद आता है हमेशा, लेमन राइस शूटिंग में लाती थी ना. बिल्कुल, मैंने भी सीख लिया आपको, मैं ही बनाता. आपको सीखना क्या, आपको एक बार रेसिपी बता दो आप बना देते हो. कोशिश करते हैं यार. नहीं नहीं, आप इज वेरी गुड. बहुत तारीफ हो रही है मेरी, मजा आ रहा है. कभी कभी मिलते तो बहुत तारीफ होती है. अभी कभी कभी मिलूंगा. अरे नहीं नहीं, आइएगा जरूर. नीलिमा, अब मैं ना यहाँ घावने ट्राई करके देखता हूँ. बिल्कुल डोसा जैसा लग रहा है. हो जा, हाँ नीर डोसा जैसा ही लग रहा है एकदम मस्त. अरे वाह, कितना पतला और अच्छा बनाया है. फर्स्ट क्लास. इसके साथ ना वैसे कोस्टल बेल्ट पे घावने के साथ ये सर्व अ वेरी गुड ग्रीन चटनी. ग्रीन चटनी, अरे वो चटनी बहुत कमाल की होती है. उसमें कोकोनट तो होता ही है, उसके साथ में कैरी डालते हैं. हाय, कोकोनट कैरी ग्रीन चिलीज, और वो चटनी बनती है और इस घावने के साथ खाई जाती है. मतलब नाश्ते में. हाँ, जैसे तुम लोग नीर डोसा खाते हो ना साउथ में, वैसे ये लोग घावने वेरी पॉपुलर, बट ग्रेवीज और करी के साथ भी अच्छा जाता है. तो ये भाकरी भी बहुत अच्छी है. भाकरी तो सुपर हिट है यार, बहुत खावने वेरी नाइस, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, डेलिकेट जैसे होने चाहिए वैसे लाइट. ये भी तो खाइए. हाँ हाँ, अंबोली ना, घावने खत्म करके अंबोली खाएंगे. छोड़ेंगे नहीं कुछ भी. मैं तो सोल गड़ी पी रही हूँ. वाह, तेरी चल रही है अभी तक? इतना खाने के बाद थोड़ा सा अच्छे से डाइजेशन होगा ना फिर. सोल गड़ी इज द बेस्ट फॉर दैट. यस, दैट्स राइट. वो अंबोली पास करो ना. इसके बाद आपको राइस भी खाना है. अरे खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी. इतनी दूर से आया है यार, गाड़ी चला के. वही इसीलिए हम आपको दे रहे हैं. आधा आधा रख दो, मैं इसे पूरा खाया नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये अगेन एक आप बोल सकते हैं डोसा प्रेपरेशन ही है. महाराष्ट्र में इसे अंबोली बोलते हैं. इट्स लाइक अ डोसा ओनली, बट एज यू कैन सी द कलर इज डिफरेंट. ये थोड़ा ब्राउनिश है, और जो हमने पहले घावने खाए थे वो व्हाइटिश थे. और ये थोड़ा सा थिक भी है. थिक भी है उससे. तो को मैं इस सुरमई के साथ खाऊंगा. अच्छा लगता है बहुत. अरे डोसा तो मतलब किसी के साथ भी खा सकते हैं ना यार. तुम तो डोसा ईटर हो, हफ्ते में कितनी बार डोसा खाती हो बताओ? अरे मैं 3-4 बार तो खाती हूँ. पर मैं मसाला डोसा, रवा डोसा, रेगुलर डोसा, कोकोनट चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो चटनी के साथ, मोलगा पोड़ी के साथ, अरे रे 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 रे, मैं सबके साथ खाती हूँ. अरे तो मस्त है. मेरे घर में दोस्त भी है पंजाबी, हमारे घर में भी कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार डोसा बनता है, इडली बनता है. आपके साथ 9 साल काम किया है, हमें सब पता है. आप लोग साउथ इंडियन बहुत अच्छे से खाते हो, बहुत स्वाद से. लेकिन आजकल मालवणी खाने हैं बड़े स्वाद से. नहीं नहीं, ये तो बहुत ही मतलब बढ़िया खाना है. कमाल का. चलिए मैं आपको राइस देती हूँ. राइस मत कहो, इंद्रायणी राइस कहो, ये अलग है. बिल्कुल इंद्रायणी राइस. अगर आप याद नहीं दिलाएंगे तो मैं तो भूल ही जाऊंगी. ये देखो कैसे. थोड़ा और दो. Can you see the consistency of this rice? Yeah, sticky rice जो बोलते हैं ना वैसा है. Soft मऊ होते हैं. ये पुणे साइड में बड़े फेमस हैं. थोड़ा और बहुत मिलते हैं. बस बस ज्यादा मत दो. इसके साथ में लूंगा ये कोमड़ी का रसा, मालवाणी रसा. ये राइस का ना टेक्सचर ही इतना कमाल का होता है. मैं जब भी किसी महाराष्ट्रियन या मालवाणी रेस्टोरेंट में जाता हूँ ना, क्योंकि ये वहीं पर मिलते हैं ज्यादा, क्योंकि सब रेस्टोरेंट रखते नहीं है, तो ये इंद्रायणी राइस जरूर मंगाता हूँ. यो देखिए कैसे खा रहे हैं, अच्छे से हाथ से खा रहे हैं. चावल खाने का, हाथ से आप खाओगे ना चावल तो अपना जो बायो एनर्जी है ना हाथों का, वो हम अपने शरीर को देते हैं. स्पून से खाने में मजा नहीं है, हाथ से खाने में बहुत मजा है. उनको देखिए, तुम्हारा पेट भर गया, नहीं तो तुमको भी चावल खाने चाहिए थे. नहीं नहीं, अब मैं मतलब कुछ नहीं खाऊंगी, आप खाइए. मुझे आपको देख के अच्छा लग रहा है. बहुत ही कमाल है. यू आर एंजॉयिंग योर फूड, वेरी नाइस. राइस ना उसने ऐड कर दिया है इस डिश के फ्लेवर्स को, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रस्सा और ये इंद्रायणी राइस, कमाल हो गया.
आज प्रोग्राम सफल इनको यहाँ लेके आने का। तो दोस्तों खूब मजा आ गया मालवन तड़का भाषी में आके खाना खाकर, बड़ा ही ऑथेंटिक खाना था निर्मा, और सुने ना बहुत मजा आया, बार बार बुलाते रहना यार। देखिए एक बार बुलाने से ये प्रॉब्लम है कि बार बार बुलाना पड़ता है। तो क्या मजा नहीं आया क्या हमसे मिलके? मजा आया इतने सालों बाद, वो भी इतने अच्छे खाने के साथ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही खत्म करते हैं, अगले ब्लॉग का आप इंतजार कीजिए, और तब तक आप सब खाइए पीजिए ऐश कीजिए। धन्यवाद।